हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और कल जो आपको वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो चुका है, तो काफ़ी बच्चे अभी ये एस्टिमेट लगा रहे हैं कि अगर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम का नया डेट उन्होंने 10th अक्टूबर रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली EPFO का एग्ज़ाम विल बी आफ्टर 10th अक्टूबर। ओके, दैट कैन बी वन ऑफ द थिंग्स दैट कैन हैपन इन फ्यूचर। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी तैयारी को जारी रखें। काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर कब लगता है एग्ज़ाम होगा। एक बार कोविड का वेव शांत हो जाने दो, थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाने दो। देखो अभी तो चल रहे हैं केसेस, काफ़ी स्पीड से केसेस बढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि कब एग्ज़ाम होगा। ओके, MCQs ऑन डेली करंट अफेयर्स करते हैं, ठीक है। 3-4 दिन से वीडियो नहीं आया क्योंकि और भी बहुत सारा कंटेंट प्रिपरेशन आपके लिए चल रहा है, तो पर आपने चिंता नहीं करनी है। जो कमिटमेंट आपके साथ हुई हुई है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो 10th to 13th May तक के करंट अफेयर्स के ऊपर MCQ यहाँ पर देखेंगे। उसमें आपके हिंदू से रिलेटेड, PIB, बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब न्यूज़पेपर्स में से कवर करेंगे। Part 1 ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गए हैं तो एक ही पार्ट में लंबा वीडियो हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। UPSC, CSE, EPFO, CDS, NDS, APF, स्टेट सर्विसेज, इन सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस वही फॉलो करना है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन को देखो, समझो, आंसर करने की खुद से कोशिश करो और फिर उसको आप सॉल्यूशन देखें, ठीक है। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, सपोर्ट के लिए, इधर यू व्हाट्सएप और मेल, ओके, व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर, या मेल कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द जॉइंट लेदर बैक टर्टल। सो जॉइंट लेदर बैक टर्टल, हिंदू में एक आर्टिकल आया था, एक न्यूज़ आई थी, उसके ऊपर ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये एंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में। दूसरा, इट इज़ फाउंड इन ऑल द ओशंस इंक्लूडिंग आर्कटिक एंड एंटार्कटिक ओशंस। थर्ड, लार्जेस्ट ऑफ द 7 स्पीशीज है सी टर्टल्स का। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको IUCN स्टेटस पता होना चाहिए, कहाँ पर मिलता है वो पता होना चाहिए, लार्जेस्ट है या नहीं है ये पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे करेक्ट है या नहीं है। गेस वर्क बहुत कम इसमें चलेगा। ओके, सो द आंसर हेयर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सी इज करेक्ट। देखो, एंडेंजर्ड नहीं है क्योंकि ये क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है, इसीलिए आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, इट इज फाउंड इन ऑल ओशंस एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग नहीं, एक्सेप्ट होएगा, ठीक है, एंटार्क्टिक और आर्कटिक ओशंस में ये नहीं मिलता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। लार्जेस्ट है, 7 स्पीशीज हैं टोटल सी टर्टल्स की, और उनमें से ये लार्जेस्ट में आता है, तो थर्ड स्टेटमेंट इसी वजह से आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, तो सी टर्टल्स के बारे में एक बार सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर न्यूज़ में क्या था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले, लार्जेस्ट ऑफ द 7 स्पीशीज, मोस्ट लॉन्ग रेंजिंग टर्टल, सो सारे ओशंस में। नहीं तो जनरली क्या होता है, जो बाकी की स्पीशीज आप देखोगे, कोई इंडियन ओशन में है, कोई अंडमान, आपका अटलांटिक ओशन में है, लेकिन ये स्कैटर्ड है, पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे एक्सेप्ट आर्कटिक एंड एंटार्कटिक ओशंस के। ओके, मूवमेंट जो है इनकी सारे ओशंस में आपको देखने को मिलेगी, बट दे नेस्ट ओनली इन इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विद इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि अटलांटिक ओशन वाले भी यहीं पर आकर के नेस्ट करते हैं, नहीं, इंडियन ओशन के जो टर्टल्स हैं वो स्पेसिफिकली इंडोनेशिया, श्रीलंका और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में नेस्ट आकर के करते हैं। वल्नरेबल स्टेटस है अंडर द IUCN लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। ओके, इस तरह के कुछ ये दिखते हैं। ऑलराइट, आफ्टर दैट अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, तो उसके Schedule 1 में ये लिस्टेड है। Schedule 1 आप जानते हैं दैट इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम प्रोटेक्शन, ठीक है, 4 शेड्यूल हैं, तो Schedule 1 मैक्सिमम मतलब आपका जो 1, 2, 3 और 4 शेड्यूल है, दैट इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड। ओके, Schedule 1 में सबसे ज़्यादा होती है, फिर Schedule 2 में कंपेरेटिवली कम, Schedule 3 में और कंपैरेटिवली कम, और Schedule 4 में लीस्ट प्रोटेक्शन जो है स्पीशीज को प्रोवाइड की जाती है। ओके, एक खास बात इन लेदर बैक टर्टल्स की क्या है, दैट दे आर ऑल्सो एबल टू मेंटेन वार्म बॉडी टेम्परेचर इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में भी अपना वार्म बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक यूनिक एडेप्टेशन जो होती हैं विच अलाउ देम टू जनरेट एंड रिटेन बॉडी हीट। बॉडी हीट को जनरेट कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं इवन इन द कोल्ड एनवायरमेंट। ये भी एक स्पेशल फीचर इन टर्टल्स का होता है,
तो ये सारे के सारे पॉइंट्स ना आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो डाल करके पूछ सकते हैं। ओके चलिए, तो ये एक न्यूज़पेपर में आपके द हिंदू में, अगर आप 10th में का अपना न्यूज़पेपर खोलोगे, हिंदू खोलोगे, तो उसमें आपको ये न्यूज़ दिख जाएगी। तो बेसिकली सारी कहानी क्या है, नीति आयोग मार्च 21, 2021 में नीति आयोग ने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला, ठीक है, और वो जो विजन डॉक्यूमेंट था उसका नाम था ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। ऑलराइट, सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में नीति आयोग वाज हाईलाइटिंग कि हाउ द निकोबार आइलैंड्स कैन बी डेवलप्ड ऑन द मॉडर्न लाइंस। ऑलराइट, सो बेसिकली हुआ क्या, जो एनवायरमेंट अप्रेजल कमिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसने पहले कहा कि यार ये जो नीति आयोग ने विजन डॉक्यूमेंट निकाला है, ये जो रिपोर्ट निकाली है, इसमें काफ़ी सीरियस कंसर्न्स हैं, क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट तो निकाल दी लेकिन बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो अभी तक अननोटिस्ड इसमें छोड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन रिसेंटली इस एनवायरमेंट अप्रेजल कमिटी ने एक खुशखबरी सुना दी नीति आयोग के लिए, उन्होंने क्या कहा कि हम आपका फर्स्ट हर्डल जो है वो रिमूव कर रहे हैं। तो बेसिकली नीति आयोग को या जो प्रोजेक्ट है उसको अब परमिशन मिल चुकी है कि वो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज करा सकें, ठीक है। अप्रेजल कमिटी ने क्या कहा कि आप एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज आप करवाइए, और ये जो डिसीजन है ये डिसीजन लिया गया है बाय अ 15 मेंबर कमिटी दैट वाज हेडेड बाय द मेराइन बायोलॉजिस्ट एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ योर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी दीपक आप्टे। तो अब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इसका चलेगा। अब बेसिकली इस प्रपोजल में था क्या जो नीति आयोग ने दिया, तो इस प्रपोजल में क्या था, ये यहाँ पर हाईलाइटेड है कि एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाए, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, एक पावर प्लांट बनाया जाएगा, एक प्रॉपर टाउनशिप क्रिएट की जाएगी ओवर अ एरिया ऑफ 166 स्क्वायर किलोमीटर। ऑलराइट, और ये जो सारी चीजें कंस्ट्रक्शन होने की बात हो रही है, दैट इज टू बी डन इन द प्रिस्टाइन कोस्टल सिस्टम एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाले एरिया में यहाँ पर ये सारी डेवलपमेंट करने की बात हो रही है, जो इकोलॉजिकली काफी ज्यादा डेलिकेट है, ठीक है। अराउंड 75,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है इसको प्लान किया गया है। ओके, नाउ द कमिटी कंसर्न्स वर बोथ प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव। जो ये एनवायरमेंट अप्रेजल कमिटी थी, दोनों इनका मानना था कि जो आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए वो भी इनसफिशियंट है, वो भी ठीक नहीं है, और काफी सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। ओके, सो बेसिकली ये जो टाउनशिप डेवलप करने की बात कर रहे हैं, इसमें ये बोला जा रहा है कि अराउंड 6.5 लाख जो हैं लोग जो हैं वो इस आइलैंड को इनहेबिट करेंगे, और अभी अगर आप देखो प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो 8500 की है, और पूरा अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो पूरा चेन है उन सारे आइलैंड्स की पॉपुलेशन देखो तो करंटली 4.5 लाख है। तो टाउनशिप डेवलप होने के बाद 6.5 लाख लोगों को तो वहां पर लेकर जाने की बात की जा रही है, तो एक तरह से आप देखो पॉपुलेशन का कितना ज्यादा स्ट्रेस एकदम से वहां पर जो है पड़ जाएगा। ओके, ऑलराइट, और उसके साथ साथ जो एनवायरमेंट अप्रेजल कमेटी थी उन्होंने कहा कि इसका इंपैक्ट जाइंट लेदर बैक टर्टल पर भी काफी ज्यादा होगा। ओके, जिसके बारे में अभी हमने क्वेश्चन देखा, बिकॉज इट इज वन ऑफ द नेस्टिंग ग्राउंड्स ऑफ द जाइंट लेदर बैक टर्टल। ऑलराइट, द कमिटी ऑल्सो नोटेड दैट देयर वर नो डिटेल्स ऑफ द ट्रीज टू बी फेल्ड। नीति आयोग ने प्लान तो अपना सबमिट कर दिया लेकिन उसमें यह भी नहीं बताया कि कितने पेड़ काटे जाने हैं वहां पर, ठीक है, कोई उसके डिटेल नहीं है। फाइनेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको इस एरिया में देखने को मिलते हैं इंडिया के, ठीक है, और कोई आइडिया ही नहीं है, कोई एस्टिमेट ही नहीं है कि कितने जो ट्रीज हैं उनको कट किया जाएगा। ओके, उसके अलावा एडिशनल इशू में जैसे हमने देखा कि क्या है, जहां पर पोर्ट डेवलप होने की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड द गैलेथिया बे। ऑलराइट, जो नीति आयोग के प्रपोजल का बिल्कुल सेंटर पीस है, और गैलेथिया बे जो है यही एक आइकॉनिक नेस्टिंग साइट है इन इंडिया ऑफ द जाइंट लेदरबैक टर्टल, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेराइन टर्टल है। ओके, तो ये सारे कंसर्न्स हैं, बट देयर इज अ हैप्पी न्यूज कि अब एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कराने को इनको परमिशन मिल चुकी है एनवायरमेंट अप्रेजल कमिटी के थ्रू। क्वेश्चन एनवायरमेंट अप्रेजल कमिटी के ऊपर भी पूछा जा सकता है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है और क्या प्रोसीजर होता है, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने ये कवर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। Consider the following statements about Gopal Krishna Gokhale, G.K. Gokhale से related आपको statement consider करनी है, history cover हो रही है लेकिन current से inspired है, कैसे वो भी आपको बताऊंगा। Basically इनकी जयंती थी गोपाल कृष्ण गोखले जी की,
एंड जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो ट्वीट भी उन्होंने किया था. ओके, तो पीआईबी में आता है ये सब. ऑलराइट, सो ही सर्वड एज द मेंबर इन बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, फाउंडेड द रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1908. इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर हितावदा इन्होंने शुरू किया. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है करेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ये मेंशन नहीं किया मैंने क्वेश्चन में, सॉरी. करेक्ट बताना है कौन सा है, 1, 2, 3, 1 only, 1 and 3 only या फिर 3 only. इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखो, पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या वो किसी लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट थे. अगर थे तो कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट थे? बॉम्बे की, मद्रास की, बंगाल की. ठीक है, उसके बाद रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए कि फाउंड उन्होंने किया था. अगर किया था तो 1908 ईयर क्या सही मेंशनड है? वीकली न्यूज़पेपर हितावदा पता होना चाहिए कि ऐसा कोई न्यूज़पेपर फाउंड उन्होंने किया था या नहीं किया था. अगर पता है कि किया था तो ये लैंग्वेज के ऊपर भी ध्यान देना है क्वेश्चन में. ठीक है, क्या पता मैं यहाँ पर हिंदी लिख देता, या मैं यहाँ पर मराठी लिख देता, या फिर यहाँ पर मैं गुजराती लिख देता, कुछ भी लिख सकता था ना मैं, तो जवाब बदल सकता है. ओके, सो आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए. तीनों स्टेटमेंट्स आपके ठीक हैं. बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने सर्व किया, रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स 1908 में इन्होंने इसका फाउंडेशन किया, एंड इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर हितावदा भी इन्होंने निकालना शुरू किया. ओके, तो देखो पीआईबी में तो इतनी सी न्यूज़ होती है, और नीचे उन्होंने प्रधानमंत्री के ट्वीट की फोटो लगाई होती है कि पीएम पेज ट्रिब्यूट टू गोपाल कृष्ण गोखले ऑन हिज जयंती. 9 मई के पीआईबी से हमने इसको लिया है. ठीक है ना, तो अपना अब काम हो जाता है कि हम जब इस तरह की न्यूज़ देखते हैं तो हम एक बार जीके गोखले को रिवाइज कर लें. अपने से सवाल में पूछा जा सकता है. ईपीएफओ वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट है जीके गोखले साहब. ऑलराइट, तो सबसे पहले न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि 155th बर्थ एनिवर्सरी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया. तो गोखले जी के बारे में अगर पढ़ें, 9 मई 1866 को इनका कोटलुक नाम के गांव में, जो आपका महाराष्ट्र में है, उसमें ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ. 1899 से 1902 तक अगर आप देखें, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने उसके मेंबर बने रहे. ऑलराइट, उसके बाद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर ये बने, जैसे आज की आपकी लोकसभा होती है, पार्लियामेंट होती है, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर बने. 1902 से लेके 1915 तक के उसके मेंबर रहे. अभी मैंने आपसे पूछा था कि ही वाज वंस द मेंबर ऑफ द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, ट्रू और नॉट? एग्जामिनर इस तरह से भी स्टेटमेंट पूछ सकता है कि ही वाज द पार्ट ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ट्रू और नॉट? ठीक है, तो उस तरह से सवाल पूछेगा तब भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है जी. उसके अलावा गोखले प्लेड अ की रोल इन द फ्रेमिंग ऑफ मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909. ये इस तरह की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि किताबों में इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, ये हर किताब में नहीं मिलती हैं. ठीक है, बड़ा रिसर्च करके, ढूंढ करके इनको निकाला जाता है. तो और इस तरह की स्टेटमेंट कई बार यूपीएससी दे देता है, स्पेशली जो सिविल सर्विसेज का बच्चे पेपर दे रहे हैं, कि भाई गोपाल कृष्ण गोखले प्लेड अ की रोल इन फ्रेमिंग द मोरले मिंटो रिफॉर्म. अब अगर मेरे को ये स्टेटमेंट नहीं भी आती और मेरे को इतना पता है कि यार वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर का पार्ट थे, तब भी मैं तुक्का लगाने की कोशिश कर सकता हूँ. अगर मेरे को ये नहीं पता कि वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, फिर तो मेरे लिए गेस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल एक तरह से हो जाएगा. ठीक है, चलो. ऑलराइट, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में अगर हम देखें, मॉडरेट ग्रुप को बिलोंग करते थे. मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट आप जानते हैं. ठीक है, वो अभी हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन यहाँ पर नहीं रहेगा. इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1889 में ज्वाइन किया. 1905 में पहली बार प्रेसिडेंट बने बनारस सेशन में, तो ये सवाल पूछा जाता है. ठीक है, और 1905 तक आते आते मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस अराइज होने शुरू हो गए थे. एक्सट्रीमिस्ट्स को कौन लीड कर रहे थे? लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक. और अल्टीमेटली द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट हैड अ स्प्लिट इन द सूरत सेशन ऑफ 1907. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है. उसके अलावा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्होंने 1905 में बनाई, इंडियन एजुकेशन और इंडियन यूथ को एनकरेज करने के लिए. उसके अलावा सार्वजनिक सभा जर्नल जो है, गोविंद रनाडे ने जिसको स्टार्ट किया था, ये उसके साथ भी एसोसिएटेड थे. ये भी एक सवाल बन सकता है कि सार्वजनिक सभा जर्नल किसने स्टार्ट किया, स्पेशली फॉर ईपीएफओ किड्स. ओके, 1908 में गोखले ने रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स के फाउंडेशन की, और ही ऑल्सो स्टार्टेड इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर हितावदा. ओके, जिसको द पीपल्स न्यूज़पेपर भी कहा जाता था. ठीक है, अगर ये सारे फैक्ट्स आपको अच्छे से याद हैं तो आप बहुत इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट, ही वाज अ मेंटर, पॉलिटिकल मेंटर टू गांधी जी. ही इज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी. अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ जो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है. ठीक है, हु वॉज द स्पिरिचुअल गुरु
ऑफ गांधी जी। आपने मुझे बताना है कि गांधी जी के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑलराइट, गांधी जी ऑल्सो रॉट अ बुक इन गुजराती दैट वॉज डेडिकेटेड टू द लीडर दैट इज योर गोपाल कृष्ण गोखले नोन एज धर्मात्मा गोखले। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि धर्मात्मा गोखले किसने लिखी, तो गांधी जी ने लिखी पता होना चाहिए, और कौन सी भाषा में लिखी गई, गुजराती में लिखी गई, ये भी पता होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो एक टॉपिक के साथ आप देख रहे हो कि आपके कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो गए हैं, और यही मोटिव है आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो करवाने का। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट द एमसीक्यूज दैट आई एम डूइंग ओवर हियर विद यू, द डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज जो हम कर रहे हैं, दैट कैन नॉट सप्लीमेंट योर न्यूज़पेपर रीडिंग, दैट कैन नॉट सप्लीमेंट द करंट अफेयर्स दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन एंड। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यूज एक तरह से रिविजन और प्रैक्टिस और ये आपको ये सिखाने के लिए कि आपने किस तरह से पढ़ना है, या फिर कुछ चीज़ें जो न्यूज़पेपर में जो अनकन्वेंशनल सी चीज़ें होती हैं जो हम मिस कर देते हैं वो, ताकि आपकी कवर हो जाए। लेकिन न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स आपने रेगुलरली खुद से फॉलो करने हैं, देर इज नो सप्लीमेंट टू दैट, नो सप्लीमेंट। जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं कोई सप्लीमेंट नहीं है उनका, न्यूज़पेपर्स का, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं एक बार, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, महाराणा प्रताप से रिलेटेड है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें भी आपको करेक्ट बताना है। मैं क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट डालना भूल गया कि करेक्ट बताएं या इनकरेक्ट, तो आपने करेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही डिफीटेड अकबर इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। सेकेंड इज ही बिल्ड द कैपिटल ऑफ चवान नियर मॉडर्न डूंगरपुर। ऑप्शन ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। महाराणा प्रताप ये भी न्यूज में थे। अब आपको हो गए सर हिस्ट्री के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो, इनकी भी जयंती थी और इसी वजह से ये भी न्यूज में थे, और इसी वजह से इनके ऊपर क्वेश्चन हमारा बनाना जो है लाजमी हो जाता है। ओके, सो द आंसर हेयर विल बी ऑप्शन। देखो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, अकबर ने हराया था हल्दीघाटी के बैटल में। अगर किसी ने जरा सी भी हिस्ट्री पढ़ी है तो फिर उसका ये क्वेश्चन गलत होने का चांस कम हो जाता है, तो वन तो नहीं होगा, ठीक है। अब अपने को अगर सेकंड के बारे में पता है तभी अपन इसका आंसर कर सकते हैं। सेकंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, तो सेकंड इज करेक्ट, टू ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, टू ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। तो पीएम पेस ट्रिब्यूट टू महाराणा प्रताप ऑन हिज जयंती, वंस अगेन 9th मई के आपके पीआईबी में था। ऑलराइट, सो महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो राणा प्रताप सिंह ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप, बॉर्न ऑन मई 9, 1540 कुंभलगढ़ राजस्थान में। 13th किंग थे ये मेवाड़ के, और उदय सिंह टू के एल्डेस्ट किंग थे। महाराजा उदय सिंह टू जो है इन्होंने किंगडम ऑफ मेवाड़ रूल किया और कैपिटल चित्तौर में थी। उदय सिंह टू से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ही इज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ उदयपुर, विच इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। वेरी ब्यूटिफुल सिटी, अगर कभी मौका लगे घूमने जाने का तो जरूर जाएं। ओके, एंड आफ्टर दैट बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में लड़ी गई। राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ ऑल्सो कॉल्ड महाराणा प्रताप एंड राजा मान सिंह ऑफ आमेर हु वॉज द जनरल ऑफ मुगल एम्परर अकबर। ओके, सो अकबर जो है अल्टीमेटली द फोर्सेज ऑफ अकबर वर विक्टोरियस। अकबर के बिहाफ पर कौन लीड कर रहा था इस वॉर को, राजा मान सिंह ऑफ आमेर। ओके, लेकिन जो महाराणा प्रताप थे उनको मुगल फोर्सेज ने हरा दिया, एंड अल्टीमेटली महाराणा प्रताप जो है अपने उनके घोड़े का नाम काफ़ी फेमस, उनका घोड़े का नाम था चेतक। ओके, वो उस घोड़े पर बैटलफील्ड को छोड़ करके निकल गए अल्टीमेटली। एंड फिर 1579 में जैसे ही थोड़ा सा मुगल प्रेशर रिलैक्स हुआ मेवाड़ के ऊपर, तब राणा प्रताप ने वेस्टर्न मेवाड़ इंक्लूडिंग कुंभलगढ़ उदयपुर एंड गोगोंडा उन पर दोबारा से कब्जा किया, एंड ही बिल्ट हिज न्यू कैपिटल चावांत नियर मॉडर्न डूंगरपुर। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चंस आपके फ्रेम किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, नाउ रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी भी जन्मतिथि थी, और वंस अगेन प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था, इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन हमने बनाया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वंस अगेन इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, ही इस्टैब्लिश्ड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन 1921, 1921 में इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन की। ऑप्शन बी, इन 1913 रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर काबुलीवाला। काबुलीवाला के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज मिला इन लिटरेचर। सी, ही इज द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। डी, He became the first non-European to win a Nobel Prize in Literature. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, गलत है, यानी कि तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओके,
सो द आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी. दूसरा स्टेटमेंट गलत है. देखो पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है बी, बस इसमें एक गलती हो गई. एंड द मिस्टेक इज कि काबुली वाला के लिए नहीं मिला था उनको, उनको मिला था गीतांजलि के लिए. ओके सो बुक नेम जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर अपना ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी एक बार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. ओके कैलकटा 1861 में इनका जो है जन्म हुआ. रेफर टू एज गुरुदेव, कवि गुरु एंड विश्वा कवि. तो ये नाम आपको पता होने चाहिए. देखो गुरुदेव तो फेमस है, ठीक है, गुरुदेव तो फेमस है, ये तो अपने को पता होता है. कवि गुरु और विश्व कवि अपने को नहीं पता होता, तो ये भी याद कर लेना. ओके बंगाली पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, पेंटर थे एंड काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे वेस्ट में अपने हिंदुस्तान का कल्चर इंट्रोड्यूस करने में. नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में मिला ऑन गीतांजलि एंड पहले नॉन यूरोपियन बने टू विन अ नोबेल प्राइज़. ओके और कई बार स्टेटमेंट में ऐसे लिखा होता है वॉज द फर्स्ट एशियन, ठीक है, तो वो भी करेक्ट होगा क्योंकि पहले नॉन यूरोपियन थे, तो मतलब कि यूरोप से बाहर जो भी आ गया फर्स्ट एशियन फर्स्ट अफ्रीकन वो सब हो जाएगा, ठीक है ना. इन 1915 टैगोर वॉज अवॉर्डेड नाइटहुड ब्रिटिश किंग जॉर्ज फाइव के द्वारा, लेकिन 1919 के जलियांवाला बाग कांड के बाद इन्होंने अपना नाइटहुड जो है वो वापस कर दिया, ठीक है, एक तरह का भारत रत्न होता था ये, जैसे आज के टाइम पे भारत रत्न होता है, ठीक है. फिलोसोफर एंड एजुकेशनिस्ट भी थे, एजुकेशन को प्रमोट करते थे मॉडर्न लाइंस के ऊपर एंड फॉर दैट ही इस्टेब्लिश द विश्व भारती यूनिवर्सिटी. ओके देन रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ऑल्सो अ गुड फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी एंड महात्मा गांधी का जो टाइटल महात्मा है इट इज सेड टू बी गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर ओनली एंड गांधी जी ने इनको टाइटल दिया था गुरुदेव का, ठीक है. द टाइटल ऑफ गुरुदेव वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी टू रविंद्रनाथ टैगोर. ओके यूनिटी इन डाइवर्सिटी के अंदर ये विश्वास रखते थे एंड ही नॉट ओनली गेव द नेशनल एंथम फॉर टू कंट्रीज इंडिया एंड बांग्लादेश, बट यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो है वो शायद डिलीट हो गया, बट ऑल्सो was prominent in encouraging the writer of national anthem of Sri Lanka. Sri Lanka के जो national anthem है वो जो जिन्होंने लिखा है उनको भी काफ़ी inspire रविंद्रनाथ टैगोर ने किया. All right, so Bangladesh का national anthem अमर सुनार बांग्ला 1905 में during the partition of Bengal उस समय पे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था. इन 1971 व्हेन बंगाल गॉट बांग्लादेश गॉट फ्रीडम और द बांग्लादेश द ईस्ट पाकिस्तान वाज मेड बांग्लादेश देन इट वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश. ओके नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो डैश और एक्स इज अ पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन दैट हैज बीन फाउंड यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ asymptomatic, mild and moderate COVID-19 infection. It is recommended in National Clinical Management Protocol based on Ayurveda and Yoga, which is vetted by the National Task Force on COVID Management of ICMR and guidelines of Ayurveda practitioners for COVID-19 patients in home isolation. What will come in place of X? Ayush 40, Ayush 64, Ayush 100 and none of the above. पिछले कुछ दिनों में काफी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. Okay, because this Ayurvedic medicine has been, you know, it has been claimed that this medicine can help asymptomatic, mild and moderate COVID-19 infection patients. Okay, polyherbal formulation se ye bana gaya hai. And earlier this medicine was used when it was developed for the purpose of treatment of malaria. Which medicine is this? Theek hai, factual question hai. So this is your Ayush 64. Ayush 64. Alright, this is for patients having asymptomatic, mild or moderate COVID-19 infection. Okay, chaliye. Alright guys, so we are done with the 5 questions over here in part 1. More videos will come soon. Okay, most probably today itself. Alright, and you can ask your doubts in the comment section or you can WhatsApp on 9041244689 or you can mail me at sikshit@gmail.com. Rest of the videos are on your screen. Please share the channel, subscribe it and like the video. I'll see you in the next video. Till then, all the best and bye-bye.